बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का निधन बीते साल 14 जून 2020 को हुआ था और इस बीच साल 2021 में सुशांत सिंह राजपूत के निधन को एक साल बीत चुका है। सुशांत की पहली बरसी हो चुकी है, जुलाई के महीने की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में अब सुशांत सिंह राजपूत मामले के मुख्य आरोपी और साथ ही सुशांत सिंह राजपूत मामले से जुड़े ड्रग मामले पर आया था सबसे पहले रिया चक्रवर्ती का नाम। ऐसे में आज हम करने वाले हैं खुलासे एक बार फिर से रिया चक्रवर्ती से जुड़े उस ड्रग रैकेट का, उस ड्रग गैंग का जिसमें रिया चक्रवर्ती के साथ कौन कौन जुड़े थे ड्रग केस में। चलिए बताते हैं आपको। सबसे पहला नाम रिया चक्रवर्ती, जो सुशांत सिंह राजपूत के लिए शोविक से ड्रग मुहैया करवाती थी, जिसके बाद शोविक चक्रवर्ती सैमुअल मिरांडा और बासित परिहार से ड्रग की मांग करता था। उसके बाद सैमुअल मिरांडा शोविक के लिए बासित परिहार से ड्रग मुहैया कराने की बात करता था और उसके बाद बासित परिहार जैद विलात्रा से ड्रग की मांग करता था और फिर जैद विलात्रा सैमुअल मिरांडा को सारी इन्फॉर्मेशन ड्रग्स के बारे में देता था, जिसके बाद सैमुअल मिरांडा शोविक को ड्रग्स प्रोवाइड करवाता था, शोविक रिया तक ड्रग्स पहुँचाता था, रिया वो ड्रग्स सुशांत को देती थी और उसके बाद रिया चक्रवर्ती शोविक को पैसे देती थी। इस तरीके से इनका ड्रग गैंग शुरू हुआ, जहाँ पर इन 4-5 लोगों का नाम ड्रग रैकेट में सामने आया है। नेक्स्ट सन लाइव से रश्मि की रिपोर्ट।